Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the techniques of counselling, okay. Uh, so, counselling, okay, counselling, what is counselling? It is a process of giving support, giving encouragement, giving a way to live uh, who is disturbed. That is a process of supporting a person who who is having mentally ill or who is having any problem. Okay, so by the counseling we have uh, we can uh, provide a way to solve the problem of others. Okay, means counseling ek aisa process है जिसमें जिन person को भी क्या रहता है day to day life में problems रहते हैं ठीक है job related problems रहते हैं या तो फिर अदर जो भी problems रहता है उनको हल करने का या तो फिर उनको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं वे प्रोवाइड करते हैं हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते लेकिन उनको एक गाइडेंस या तो फिर उनको एक वे या रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना प्रॉब्लम क्या कर सके सॉल्व कर सके हम उसको सॉल्व नहीं करते उनको एबल बनाते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकें ओके सो अ नंबर ऑफ काउंसलिंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर काउंसलिंग इन रिजॉल्विंग द लॉस एंड ग्रीफ सम ऑफ़ द टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग आर एस फॉलोस ठीक है जो पर्सनस ग्रीफ से सफ़र करते रहते हैं जिन पर्सनस का लॉस हुआ रहता है तो उनको क्या होती है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं वो अपन देखते हैं ठीक है मीन्स अगर कोई पर्सनस है ग्रीफ है लॉस से उससे सफ़र कर रहे हैं लाइक फैमिली मेम्बर्स में किसी का डेथ हुआ है ठीक है तो उनको अपन उस डेथ से उस प्रॉब्लम से उस ग्रीफ रिएक्शन से कैसे निकाल सकते हैं ठीक है उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कैसे इंक्रेज कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं वो अपन देखते हैं ठीक है फर्स्ट इज वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इवालवेट्स चेंज इन दैम एंड देयर इन्वायरमेंट मेक न्यू चॉइस और एडजस्टमेंट इन हॉर्मोनियस मैनस ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या होता है कि पर्सन को जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक वे प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे इट विल हेल्प द इंडिविजुअल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स जिसके थ्रू जो भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में प्रॉब्लम से फेस कर रहा है या ग्रीफ से फेस कर रहा है ठीक है तो वो अपने प्रॉब्लम को क्या कर सकता है सोल्व आउट कर सकते हैं इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं फर्स्ट इज़ वॉट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स वी हैव फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई वॉट इज़ आवर एक्चुअल प्रॉब्लम मीन्स हम पहले से क्या करेंगे प्रायटाइज बनाएंगे मतलब प्रायोरिटी बनाएंगे कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है जिस प्रॉब्लम को हमको इमिडिएटली सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को अपन पहले क्या करेंगे फोकस करेंगे द नेक्स्ट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा डाटा या सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे कि हमको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ठीक है द नेक्स्ट इज़ हाइपोथेसाइजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अब उसके बाद हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हम लोग किस तरीके से उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं हाइपोथेसिस करना दैट मीन्स देखना या अनुमान लगाना ठीक है द नेक्स्ट इज डिसीज़न मेकिंग अब अपन एक कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं डिसीज़न लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर क्या लेंगे उसके लिए डिसीज़न लेंगे द नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन अब उस प्लान ऑफ एक्शन उस कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन लेने के बाद ठीक है द नेक्स्ट इज फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अपन क्या करेंगे फॉलो अप करेंगे फॉलो अप में ये देखेंगे कि हम लोग का जो इंटरवेंशन था वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है क्लियर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू तो इसको बताती हूँ सपोज़ किसी को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग उस पर्सन के पास जाएंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ठीक है अब हमको आइडेंटिफाई हो गया कि उसको क्या है जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है देन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अब हम लोग उस पर्सन के बारे में पूरा क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके रिलेटिव्स को देखेंगे जॉब में उसका सेटिस्फैक्शन देखेंगे और या तो फिर वो ऑफिस में कैसा बिहेव करते हैं जॉब के साथ बॉस के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे देन नेक्स्ट इज हाइफोथिसाइजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन उसके बाद अपन कौन सा सॉल्यूशन uh, लगा सकते हैं उसको क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे दैन नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग अब फाइनली उस डिसीजन को क्या करेंगे uh, अपन फाइनल कर लेंगे लाइक जैसे कि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है ठीक है वो अपने जॉब से खुश नहीं है ठीक है तो हम लोग उसको क्या करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को देखे क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स पूरी तरीके से उसके जॉब पे क्या है रिलेटेड है उसके जॉब पे डिपेंडेंट है ठीक है तो अपने फैमिली मेंबर्स को देखे अर्निंग इनकम वगैरह को देखे और इन सब के थ्रू हम लोग उसको एक क्या करेंगे काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और उस पर्सन को एबल बनाएंगे कि वो उसी जॉब में ही रहे ओके okay? और हम अपना जो रिलेशनशिप है बॉस के साथ अपने कलीग्स के साथ उसको सॉल्व कर ले ठीक द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग हो गया देन उसके बाद क्या करें इम्प्लीमेंटेशन गया हमारा जो डिसीजन मेकिंग हम लोग बनाए हैं उसको क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है देन नेक्स्ट इज फॉलो अप अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद देखेंगे कि उसका जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्टिव था या नहीं है वो अपन फाइनली क्या करेंगे चेक करेंगे सो दिस इज वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ओके द नेक्स्ट इज़ डिस डिस्कशन टेक्निक ओके बी एस ब्लूम डिफाइन द डिस्कशन एज अ कोपरेटिव अटैक ऑन अ कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए कॉमन सेट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन मटेरियल्स एंड एक्सपीरियंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज परस टू अ कॉम्प्लेक्स एंड डीप लेवल एज पॉसिबल ठीक है डिसीजन मेकिंग डिस्कशन टेक्निक में क्या करेंगे अपन डिस्कशन के थ्रू इसको सेल्व करने को सेल की कोशिश करेंगे ठीक है द काउंसलर है ग्रुप टू फोकस इन अ डिसकशन क्लास ऑन द कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि बहुत सारे क्या है अल्कोहल वाले पेशेंट हैं जिस काउंसलर रूम नहीं रहते उसमें क्या करते हैं अनोमिन एनोनिमस जो ग्रुप रहते हैं एल्कोहलोम एनो एनोनिमस है, ठीक है उसमें क्या रहते हैं जैसे चार पांच अल्कोहल वाले पेशेंट हैं उनको क्या करेंगे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे ठीक है जो काउंसलर रहता है वो बोलता है कि अल्कोहल लेने से या उसको छोड़ने से क्या क्या तुमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको क्या करें आपस में डिस्कस करें उन लोग ठीक है चार पाँच ग्रुप मिलकर तो उससे क्या होगा हेल्प देम टू एक्सटेंड एंड ऑन द प्रॉब्लम ठीक है मीन्स उसको बोलना है कि वो अपने प्रॉब्लम को डीपली क्या करे एक्सप्रेस करे ब्रिंग्स वॉट एवर रिसोर्सेज ही मे बी मे हैव टू अटैक द फाइनली हेल्प द ग्रुप टू रिकोगनाइज वेन द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व एज वेल एज द फर्दर इम्प्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन एज अ टोल प्रीवियसली ठीक है मीन्स ऐसा जो पर्सन होगा उस ग्रुप में जो अभी अभी अल्कोहल लेना क्या होगा स्टार्ट किया होगा तो वो दूसरों कर, के प्रॉब्लम को सुनकर ठीक है दूसरों के कॉम्प्लिकेशन को सुनकर मतलब अल्कोहल लेने से उसके फैमिली मेम्बर्स या तो उसका जॉब क्या होता है अफेक्ट हो रहा है ठीक है तो जो अभी अभी पर्सन लेना स्टार्ट किया होगा वो क्या करेगा उसको सुनेगा और समझेगा कि अगर मैं अल्कोहल लूँगा तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझको भी क्या करने पड़ेगा फेस करना पड़ेगा तो ग्रुप डिस्कसन में क्या हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और जो पर्सन एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वो भी क्या कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि अपना प्रॉब्लम्स को क्या करें सॉल्व आउट कर सके तो ग्रुप डिस्कशन में ये ऐसा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं ठीक है और प्रॉब्लम्स अपने डिस्कशन के थ्रू क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे द नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग टेक्निक रोल प्ले टेक्निक आर यूज इन काउंसलिंग टू डेवलप स्किल एंड इनसाइट इन एन इंडिविजुअल बाई एक्टिंग आउट सिचुएशन विच आर पैरल टू रियल लाइफ सिचुएशन मीन्स रोल प्लेइंग टेक्निक्स में क्या होता है कि uh, जैसे कि हम लोग किसी पर्सन है सपोज मेंटली पर्सन है उसको हम लोग डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है ठीक है ऐसे में पर्सन क्या हो जाएगा जो भी पर्सन है सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस से वो लोग ऑलरेडी इरिटेटेड uh, रहते हैं वॉयलेंट रहते हैं ठीक है अगर हम लोग उनको डायरेक्टली uh, मतलब उनको डायरेक्टली अगर जाके बोलेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत है तो उससे और ज़्यादा वो क्या हो सकते हैं वॉयेंट हो सकते हैं इसलिए हम लोग को उनको उनके प्रॉब्लम से उनकी कमियाँ ऐसे बोल कर नहीं बताना है ठीक है उसको हम लोग को एहसास दिलाना है ठीक है इमोशनली वो खुद से जाने कि वो क्या गलत कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे एक्सपे एक्सपोज कर सकते हैं रोल प्ले के थ्रू ठीक है रोल प्लेइंग के थ्रू हम लोग उनको बता सकते हैं कि वो जो उन कर रहे हैं वो चीज़ क्या है गलत है ठीक द नेक्स्ट इज़ वॉट लेक्चर्स लेक्चर्स डिलीवर्ड बाई एक्सपर्ट्स कैन इम्पार्ट काउंसलिंग इन एन इफेक्टिव मैनर इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ठीक है मीन्स बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे लाइक हंड्रेड फिफ्टी ऐसे पर्सनस रहते हैं उनको एक एक करके काउंसलिंग करके पॉसिबल नहीं है ना uh, अवेयर करना इसलिए हम लोग लेक्चर के थ्रू लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या कर सकते हैं इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनको सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ओके दैन नेक्स्ट इज़ केस कॉन्फ्रेंसेस इन केस कॉन्फ्रेंसेस टेक्निक प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेजोरिटी आर डिस्कस्ड एज अ केस इट गिव्स एक्सपीरियंस इन सोशल थिंकिंग एंड हैज़ पॉजिटिव एंड यूनिक वॉल्स इन टीम वर्क ठीक है केस कॉन्फ्रेंसेस में अपन क्या करते हैं कि जो पर्सन ग्रीफ या फिर किसी डिज़ास्टर या प्रॉब्लम से सफ़र करते रहते हैं उन पर्सन को एज अ केस हम लोग लेते हैं जैसे कि हम लोग सी लेते हैं ना और उस एक पर्सन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं ठीक है तो वैसा ही एक केस कलेक्ट करना है और उसके बारे में क्या करना है कॉन्फ्रेंस रखना है ठीक है उसके बारे में पूरा डिटेल में दूसरों को भी बताना है जिसके थ्रू दूसरे क्या कर सके जान सकें कि पर्टिकुलर अगर होने से प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है जैसे कि अल्कोहल लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग कोई अल्कोहलिक वाले पेशेंट को लेंगे उसका पूरा केस स्टडी करेंगे तो दूसरे भी उससे क्या हो सकते हैं अवेयर हो सकते हैं और मे बी अल्कोहल लेना क्या करते कम कर दें ओके तो केस कॉन्फ्रेंस केस डिस्कशन केस स्टडी टाइप है ठीक है द नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंडीशनिंग द माल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज बिलीव दैट इफ प्रॉपर रिवार्ड्स आर गिवन फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर देन एक्सेप्टेड बिहेवियर कैन बी प्रोमोटेड एंड कंटिन्यूड एंड ओल्ड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज ऑटोमेटिकली इग्नोर्ड और अनलर्न ओके मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि जैसे कि चिल्ड्रन रहते हैं ठीक है उनमें क्या रहता है कि हम लोग जब वो छोटे रहते हैं क्या करते हैं जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको क्या करते हैं अपन रिवॉर्ड देते हैं या बोलते हैं गुड बोलते हैं या तो फिर उनके लिए कुछ और अच्छा करते हैं ठीक है जिससे वो क्या हो जाते हैं खुश हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या है सही है वैसे ही क्या करते हैं अगर कोई वो बैड एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग उनको डांटते हैं उनको चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ मत करो ये चीज़ गलत है तो उनको पता चल जाता है कि ये बिहेवियर क्या है बैड बिहेवियर है ठीक है तो वही क्या है अडेप्टिव बिहेवियर एंड नॉन अडेप्टिव बिहेवियर लाइक एक्सेप्टेबल बिहेवियर और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर तो वैसा ही ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या बोल रहा है कि कि पर्सन अगर कोई सही काम करता है कोई अच्छा चीज़ करता है तो हम लोग उसके अच्छे बिहेवियर को क्या करेंगे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को क्या करेंगे प्रोमोट करेंगे बाय गिविंग रिवॉर्ड्स टू देम ठीक है मींस रिवॉर्ड या तो फिर कुछ अवार्ड या कुछ भी देकर उनके अच्छे बिहेवियर को क्या करना है अपन को प्रोमोट करना है और उनके बैड बिहेवियर उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप लिखा है बैड बिहेवियर और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़ ऑटोमेटिकली इग्नोर और अनलर्न ठीक है जिससे कि अगर हम लोग अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करेंगे तो उससे बैड बिहेवियर अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक द थेरेपिस्ट यूजेज री गेन गेट अ गोल्ड स्टार एवरी टाइम स्टेज फोकस्ड ऑन ओके लिव इट ठीक है जैसे मैं बताई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग में गुड बिहेवियर को प्रमोट करना है जैसे कि बैड बिहेवियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा द नेक्स्ट इज एवर्जन कंडीशनिंग एवर्जन कंडीशनिंग दैट मीन्स द टेक्निक इज़ यूज टू चेंज सम स्पेसिफिक बिहेवियर सच एज़ एल्कोहलिज्म होमोसेक्शुअलिटी ठीक है एवर्जन कंडीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर है लाइक एल्कोहलिज्म है होमोसेक्शुअलिटी है इसको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ट्रीट करते हैं ठीक है एवर्जन टेक्निक में अपन क्या करते हैं देखना दिस इज पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टूमल विथ अनप्लीजेंट स्टूमल इज डन टू मॉडिफाई द अनवॉन्टेड बिहेवियर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना एवर्जन कंडीशनिंग ठीक है इसमें क्या होता है कि एवर्जन टेक्निक में प्लीजेंट स्टूमल के साथ अनप्लीजेंट स्टूमल को क्या कर दिया जाता है अटैच कर दिया जाता है ठीक है सम काइंड ऑफ पेन और डिसकम्फर्ट इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर देट इज़ नीडेड टू बी चेंज ठीक है जैसे कि आ, जो पर्सनस एल्कोहल लेते हैं ठीक है इसमें एग्जाम्पल एल्कोहलिजम दिया है इसलिए मैं बताती हूँ कि जो पर्सन एल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो उनको हम लोग एवर्जन टेक्निक के रूप में क्या देते हैं डाई सेल्फिराम का क्या कर देते हैं इंजेक्शन या सिरप वगैरह दे दिया जाता है ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि उसमें अनप्लीजेंट सेंसेशन होने लगता है मतलब कि जब भी वो अल्कोहल लेंगे उनको क्या होता है साइड इफ़ेक्ट्स होगा ठीक है डाइसल्फिराम का जिसकी वजह से वो क्या करेंगे अल्कोहल को लेना क्या कर देते हैं धीरे धीरे कम कर देते हैं या पूरी तरीके से क्या कर देंगे छोड़ देंगे मतलब कि अल्कोहल लेने से उनके बॉडी में क्या होता है साइड इफ़ेक्ट्स होने लगता है डाइसल्फिराम के कारण ओके सो so, कुछ प्लीजेंट थिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं अनप्लीजेंट चीज़ भी उसमें ऐड कर रहे हैं ठीक है ये क्या कहलाता है एवर्जन टेक्निक ठीक जिसकी वजह से जो भी बैड बिहेवियर है पर्सन का वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है ठीक क्योंकि अल्कोहल के साथ हम लोग क्या दे रहे थे डाइसल्फिराम और डाइसल्फिराम लेने के कारण जो अफेक्ट होता है अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा क्या होता है साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने लगता है ओके नेक्स्ट इज रेसिपो रेसिप्रोकल इन्हीबिशन इसमें क्या है बाय दिस टेक्निक्स इज इंडिकेटेड फॉर द पर्सन विथ एनजाइटी फियर एट्सेट्रा ठीक है मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर पर्सन एंगजाइटी से सफ़र कर रहा है या तो फिर फ़ियर से सफ़र कर रहा है तो उनको हम लोग रेसिप्रोकल इनहिबिशन देते हैं इसमें क्या होता है दिस टेक्निक पर्सन इज आज टू शिफ्ट हिज इमेजिनेशन फ्रॉम दी फ़ियरफुल कंडीशन टू लेस थ्रेटनिंग स्किन ठीक है आफ्टर अ गेप ऑफ टाइम ही इज अगेन आज टू रिकॉल द स्किन सीन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द फील्स कंप्लीटली रिलैक्सड मीन्स uh, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ रेसिप्रोकरल इनहिबिशन में सपोज कोई पर्सन है ठीक है उसको बहुत ज़्यादा uh, मन है या बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है कि उसको कहाँ जाना है शिमला जाना है ठीक है लेकिन फाइनेंसली या इकोनॉमिकली वो क्या है एबल नहीं है घूमने जाने के लिए शिमला तो हम लोग एज अ काउंसलिंग टेक्निक उसको बोल सकते हैं कि आप आँख बंद करिए और आप अभी फील करिए कि आप शिमला में हैं ठीक है तो ये क्या होता है एक रेसिप्रोकल इनिबिशन है एक टेक्निक है जिससे पर्सन को हम लोग थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर हम लोग वो सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर सकते वो उस जगह पे नहीं ले जा सकते ठीक है लेकिन वैसा सिचुएशन हम लोग उसको फील करा सकते हैं तो इससे उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकते हैं ठीक है थीके? उसको लगेगा थोड़ा बहुत हम लोग उसको क्या कर सकते हैं खुशी दे सकते हैं ठीक ये क्या होता है इसमें

डिसेंसिटाइजेशन uh, टेक्निक में क्या होता है कि uh, जैसे कि कोई पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से ठीक है तो उस पर्सन को क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ से या उस एनिमल uh, से क्या करेंगे अपन एक्सपोज कराएंगे सपोज़ uh, जैसे कि किसी किसी को छिपकली से डर लगता है ठीक है छिपकली से डर लगता है तो हम लोग क्या करेंगे डिसेंसि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्सन को उस पर्सन के अंदर जो डर है उसको क्या करते हैं अपन हटाते हैं ठीक है तो कैसे हटा सकते हैं लाइक like, अगर उसको बहुत ज़्यादा छिपकली से डर लगता है तो सबसे पहले हम लोग एक पेपर में छिपकली का डायग्राम बनाएंगे और सबसे पहले उसको वो दिखाएंगे ठीक है सपोज़ उससे उसको डर नहीं लगा फिर उसके बाद ये क्या करेंगे प्लास्टिक का जो मॉडल रहता है ना थ्री डी ठीक है ऐसा मॉडल उसको हाथ में पकड़ाएंगे छिपकली का मे भी हो सकता है कि उससे वो थोड़ा बहुत डरे और कुछ टाइम के बाद उसका डर क्या हो जाए खत्म हो जाए ठीक है फिर उसके बाद फाइनली हम लोग उसको क्या करेंगे छिपकली दिखाएंगे लाइव छिपकली दिखाएंगे ठीक है तो उससे क्या हो सकता है वो पहले के मुकाबले मे भी हो सकता है कि कम डरे ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप लाइक like, पहले हम लोग उसको पेपर में दिखाया फिर मॉडल दिखाया फिर उसके बाद रियल शिप कले दिखाया तो उससे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में जो भी फियरफुल सिचुएशन है वो जो भी फेयरफुल थिंग है उससे पर्सन को क्या कराना है एक्सपोज कराना है और उसके डर को क्या करना है ख़त्म करना है ओके द नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इज़ एन एनी मैथड प्रोसेस प्रोसेजर एक्टिविटी दैट हेल्प अ पर्सन टू रिलैक्स टू अटेन अ स्टेट ऑफ इंक्रीज कामनेस और अदरवाइज रिड्यूज लेवल ऑफ एनजाइटी स्ट्रेस और टेंशन ठीक है रिलैक्सेशन लाइक योगा लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब के थ्रू पर्सन की स्ट्रेस टेंशन और एंगजाइटी को हम लोग क्या कर सकते हैं रिड्यूज कर सकते हैं ओके रिलैक्सेशन टेक्निक आर ऑफन एम्प्लॉयड एज अ इम्प्लीमेंट ऑफ वाइडर स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड कैन डिक्रीज मसल टेंशन लोअर द ब्लड प्रेशर एंड स्लो हार्ट एंड ब्रीथ रेट्स एमंग द अदर हेल्थ बेनिफिट्स ठीक है मीन्स ये सब के थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू पर्सन के वाइटल साइंस पे अपन क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं ओके सो दीज ऑल आर समेक्निक्स और काउंसलिंग फर्स्ट इज वॉट Problem solving technique, second is discussion technique, third is role playing, next is lecture, next is case conference, operant conditioning, aversion techniques, reciprocal inhibition, desensitization, and relaxation. So, these all are 10 techniques of counseling that you have to.